से हमारे सफाईकर्मी बंधु गांव गांव में जाकर के स्वच्छता अभियान का एक अभियान जो उन्होंने चलाया है उसको हम लोग बल दे रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। और हम सभी आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग स्वच्छता अभियान चला करके पौधारोपण करेंगे, साथ ही साथ गौशाला में गुड़ रोटी खिलाएंगे। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इसे स्वाभिमान व सेवा दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वच्छता जागरूकता अभियान, पौधरोपण और गौशाला में गौ की सेवा करने के बाद लोगों ने कार्यक्रम का समापन किया। इकोना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री कृष्णदेव सिंह की अध्यक्षता में भारी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद होकर सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया। इकोना कार्यालय बाईपास से लेकर चौबे जोत तक कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का आलख जगाया, साथ ही लोगों से अपील की अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, जिससे भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए बात चरितार्थ हो सके। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना इलाके की ये तस्वीरें। माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम कहेंगे गांव गांव में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। भारत माता की। भारत माता की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ कई जगहों पर पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया। इसके साथ साथ अकबरपुर गौशाला में पहुंचकर गायों को गुड़ रोटी खिलाई। इस दौरान कृष्णदेव सिंह जिला महामंत्री, संतोष यादव, ओम प्रकाश निषाद, धर्मेंद्र सिंह जिला सह प्रभारी, अंगद उपाध्याय ब्लॉक उपाध्यक्ष, सालिक राम सोनी ब्लॉक महामंत्री, विजय प्रकाश धर दुबे ब्लॉक उपाध्यक्ष, कमलेश यादव जिला कार्य समिति, अवधेश जायसवाल जिला कार्य समिति, मनीष गुप्ता, मणिराम गुप्ता, कन्हैया लाल कश्यप, जगदम्मा कश्यप, बदलू राम निषाद, शिव गोपाल गुप्ता और स्वच्छता कर्मी में राम निवास, सतीश कुमार, विजय कुमार, संतोष कुमार, राम कुमार, देवेंद्र कुमार, कविता, विश्वनाथ, बिंदु, सीमा आदि लोग मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम संचालित किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और कार्यक्रम का संचालन किया। इकोना इलाके के विभिन्न स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री कृष्णदेव सिंह ने कहा कि मंत्री उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी हिंदू युवा वाहिनी पूरे प्रदेश में आज सेवा के रूप में हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्वच्छता अभियान चला करके गांव-गांव सैनिटाइज करवाया जाएगा, चूना छिड़काव कराया जाएगा, साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम तहसील में, ब्लॉक में, अस्पताल में, थाना ऑफिस, सीओ ऑफिस एवं गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न गौशालाओं में, अकबरपुर नगर इकोना में, आदर्श गौशाला में हम लोग जो है गौ सेवा का कार्यक्रम करेंगे, गौओं को गुड़ खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे। इससे समाज में जागरूकता फैलेगी, गौ सेवा के क्षेत्र में, गौ की सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता अभियान से जनमानस में एक संदेश जाएगा कि हमें ऐसे विभिन्न महान बंधुओं के ऊपर उस महाराज जी के निर्देशों के अनुसार उनके मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश में स्वच्छता का अभियान व्यापक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको हम सभी मिलकर के गति देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इनका नारा है कि हमारा भारत स्वच्छ भारत रहे।
हमारे सफाई कर्मी बंधु गांव गांव में जाकर के स्वच्छता अभियान का एक अभियान जो उन्होंने चलाया है उसको हम लोग बल दे रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। और हम सभी आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग स्वच्छता अभियान चला करके पौधारोपण करेंगे, साथ ही साथ गौशाला में गुड़ रोटी खिलाएंगे। भारत माता की। इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर डॉक्टरों की मौजूदगी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान CSC के वरिष्ठ डॉक्टर रजत सिंह, डॉक्टर गिरिवर प्रसाद वर्मा, गौतम अब्दुल हन्नान आदि लोग मौजूद हैं। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं कोना इलाके की यह खबर, जहां पर तहसील परिसर में भी पहुंचकर उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। इकोना इलाके के तहसील परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इकोना के उप जिला अधिकारी श्री चौधरी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। साथ ही अकबरपुर गौशाला पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने गायों की सेवा की और कई मोहल्लों तथा गाँवों को सैनिटाइज किया। इकोना इलाके के चौबे जोत की ये तस्वीरें। अकबरपुर गौशाला में पहुंचकर गायों की सेवा कर मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। यहीं से कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान भारतीय समाज के गौसेवक, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर इन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।